कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के समय में, जहां यूएस फौज के लड़ाकू विमान पैसिफिक ओशियन के ऊपर उड़ रहे थे। लुईस अपने साथी फौजियों के साथ जापानी आइलैंड नाउरू को तबाह करने के मिशन पर निकला था। जल्द ही उन्होंने निशाने पर बॉम्ब धमाके कर दिए, पर अचानक कई जापानी प्लेन्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर लगातार हमला करने लगे। इससे उनके विमान के कई हिस्से टूट गए और ब्रेक्स भी फेल हो गई। पर पायलट फिल जैसे तैसे प्लेन को वहां से बाहर निकाल कर अपने बेस पर ले आया। आखिरकार ब्रेक न होने की वजह से बड़ी से उनकी लैंडिंग हुई। फिर हम देखते हैं कि कई साल पहले लुईस बचपन में काफी शैतानियां करता था। वो सिगरेट्स और शराब पीता था और चोरियां भी करने लगा था। एक दिन वो छिपकर शराब पीते हुए अपने बड़े भाई का बेसबॉल मैच देख रहा था, पर अचानक एक गार्ड ने उसे देख लिया, लेकिन वो जबरदस्त रफ्तार से भाग निकला। जब उसके भाई पीट ने उसे इतना तेज दौड़ते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि अगर लुईस दौड़ में हिस्सा ले तो वो आसानी से जीत सकता है। इसीलिए अब पीट उसे ट्रेनिंग देने लगा और कुछ ही सालों में लुईस इतनी तेज दौड़ने लगा कि अब वो कोई भी दौड़ आसानी से जीत जाता। इस वजह से वो तूफान के नाम से मशहूर हो गया। एक बार तो उसने 1.5 किलोमीटर की दौड़ सिर्फ 4 मिनट में पूरी करके देश के सभी स्कूल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी वजह से लुईस को अमेरिका की तरफ से 1936 के बर्ली ओलंपिक्स में जाने का मौका मिला। जाने से पहले उसने अपने भाई को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया। जाते हुए पीट ने उसे समझाया कि एक पल का दर्द उसे जिंदगी भर की शोहरत दिला सकता है। इसके बाद दौड़ का दिन आया जहां लुईस 5000 मीटर की रेस में हिस्सा ले रहा था। उसका पूरा परिवार रेडियो पर दौड़ के समाचार सुन रहा था, मगर जल्द ही कई मजबूत खिलाड़ियों ने लुईस को पीछे छोड़ दिया। पर लुईस भी पूरा जोर लगाकर दौड़ा और कई खिलाड़ियों से आगे निकल गया, मगर आखिरकार उसने 8वें नंबर पर दौड़ खत्म की। अब उसने अगले ओलंपिक्स जो 1940 में टोक्यो में होने वाले थे उनमें गोल्ड मेडल जीतने का फैसला किया, मगर जल्द ही दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने से उसका सपना चकनाचूर हो गया। वर्तमान समय में प्लेन लैंड करने के बाद फिल ने भगवान का शुक्रिया अदा किया तो लुईस ने कहा कि उसे भगवान पर यकीन नहीं है। खैर अगले दिन से ही लुईस दौड़ने की ट्रेनिंग में लग गया और उसकी रफ्तार देखकर उसके सभी साथी भी हैरान रह गए। फिर एक दिन लुईस और उसकी टीम को एक गुम हो चुके प्लेन को ढूंढकर उसके लोगों को बचाने का मिशन दिया गया। इस बार फिर उन्हें वही टूटा फूटा प्लेन दिया गया, पर वो जैसे तैसे उसकी मरम्मत करके निकल पड़े, मगर फिर अचानक से हवा में ही उनका एक इंजन फेल हो गया। इससे पहले कि वो कुछ करते दूसरा इंजन भी फेल हो गया और उनका प्लेन सीधा समुद्र में जा गिरा। इस दुर्घटना में 8 फौजियों की मौत हो गई और सिर्फ लुईस, फिल और मैक ही जिंदा बच पाए। जैसे तैसे वो तीनों इमरजेंसी राफ्ट फुलाकर ऊपर आए और अपने आप को शांत किया। मैक तो बिल्कुल हिम्मत हार चुका था, पर बाकी दोनों में हौसला बाकी था। उनके पास खाने को कुछ ही चीजें थी और पीने के लिए एक बॉटल पानी। लुईस ने कहा कि वो सुबह और रात को चॉकलेट का एक एक टुकड़ा खाएंगे और दिन में बस 2 घूंट पानी पियेंगे। फिर रात को इतनी कड़ाके की ठंड में उन्हें सोना पड़ा। अगली सुबह एक प्लेन की आवाज से उनकी आंख खुली। उन्होंने बंदूक चलाकर प्लेन का ध्यान खींचने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में लुईस ने देखा कि चॉकलेट के सारे डिब्बे तो खाली थे, क्योंकि सारी चॉकलेट मैक खा गया। ये देखकर लुईस को बहुत गुस्सा आया, पर उसने किसी तरह खुद को रोका। अब उन्हें इस समुद्र में बिना खाने और पानी के न जाने कितने दिन गुजारने थे। तभी अचानक एक पंछी उनकी कश्ती पर आकर बैठ गया और ये भूखे फौजी एकदम से उस पर झपट पड़े। उन्होंने इस पंछी को खाकर अपनी भूख शांत की, पर जल्द ही उन तीनों को उल्टी आ गई। इसके बाद उन्होंने पंछी के मांस को पानी में डालकर मछलियां पकड़ने का फैसला किया। जल्द ही उन्हें एक मछली मिली और सबने मिलकर उसे खाया, मगर धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अचानक एक रात समुद्र में जोरदार तूफान आया और उन्हें लगा कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात हो गई। तब लुईस ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि अगर तू है तो आज मुझे बचा ले, और अगर आज मैं बच गया तो सारी जिंदगी दूसरों की सेवा में बिताऊंगा। फिर चमत्कार हुआ और वो तीनों तूफान से बच निकले। अगली सुबह बारिश हुई और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बॉटल भर के पानी पिया। कुछ दिनों बाद तो वो एक शार्क को पकड़ने में कामयाब रहे, जिसका मांस खाकर उन्होंने कई दिन तक गुजारा किया। धीरे धीरे उन्हें समुद्र में 27 दिन हो चुके थे और फिर उन्हें आसमान में एक और प्लेन दिखाई दिया। उन्होंने फिर से बंदूक चलाकर प्लेन को बुलाया और प्लेन उनकी ओर मुड़ भी गया, पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि एक अमरीकी नहीं जापानी प्लेन था। प्लेन के फौजी उन पर गोलियां चलाने लगे तो वो तीनों पानी में कूद गए और किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई। बाद में प्लेन वापस चला गया और वो तीनों दोबारा ऊपर आ गए, पर अब उनकी कश्ती की हवा निकल रही थी। उन्होंने तुरंत छेद पर टेप लगाई और ऊपर आ गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वो तीनों इस छोटी सी कश्ती में सिमट कर बैठे थे। अब उन्हें समुद्र में फंसे हुए 40 दिन पूरे हो चुके थे। मैक की हालत काफी खराब थी और जल्द ही भूख की वजह से उसकी मौत हो गई। लुईस और फिल ने दुखी मन से उसकी लाश को ढका और उसे पानी में बहा दिया। इसके बाद वो भी जैसे तैसे दिन काटने लगे, पर अब उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब वो बोल भी नहीं पा रहे थे।
47वें दिन बदकिस्मती से एक जापानी जहाज उनके पास आया और फौजियों ने उन्हें बंदी बना लिया। अब लुईस और फिल को गुलामों की तरह अंधेरे कमरों में कैद कर दिया गया। वहां उन्हें खाने के लिए थोड़े से चावल मिले तो वो भूखे कुत्तों की तरह सब कुछ निगल गए। फिर एक दिन जापानी कर्नल ने उन्हें बुलाकर अमरीकी बॉम्ब्स के बारे में पूछताछ की। उनसे जानकारी लेकर लुईस और फिल को टोक्यो की जेल में भेज दिया गया। फिर वहां से उन्हें अलग अलग कैंप्स में ले जाया गया। लुईस ओमोरी डिटेंशन सेंटर में था, जहां वटनाबे नाम के एक निर्दयी ऑफिसर का हुक्म चलता था। जब वटनाबे सबको जेल के नियम बता रहा था तो लुईस ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और इस जुर्म के लिए वटनाबे ने उसे बुरी तरह पीटा। फिर उसे पूरा दिन खड़ी रहने की सजा मिली। रात को कैंप में लुईस की मुलाकात बाकी अमरीकी फौजियों से हुई। फिर अगले दिन वटनाबे ने सभी कैदियों को इकट्ठा करके उन कैदियों को छाटा जिनमें कोई ना कोई हुनर था। उसने देखा कि लुईस पहले दौड़ में अच्छा था, इसीलिए उसने लुईस और एक जापानी ऑफिसर के बीच दौड़ करवाई। पर भूख की वजह से लुईस के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, इसीलिए वो जमीन पर गिर गया। इसके बावजूद भी वटनाबे ने उसे बड़ी बेरहमी से पीटा। ऐसा लगता था कि वटनाबे को लुईस से कुछ ज्यादा ही नफरत है। इधर अमरीकी कैदी किसी तरह अखबार चुराकर युद्ध की सारी जानकारी रखते थे, पर एक दिन अखबार चोरी करने वाले को जापानी फौजियों ने पकड़ लिया और उसे कुत्तों की तरह पीटा गया। बाकी कैदी और लुईस उसे देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सके। कुछ दिन बाद लुईस को अपने घर के लिए संदेश भेजने का मौका मिला, जिसके जरिए वो अपने परिवार को बता सके कि वो जिंदा है। असल में यूएस सरकार के मुताबिक प्लेन क्रैश में उसकी मौत हो गई थी। आखिरकार उसे एक रेडियो स्टेशन ले जाया गया जहां उसे अपना संदेश रिकॉर्ड करना था। साथ ही लुईस पर ये झूठ बोलने का दबाव बनाया गया कि यहां उस पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा, ताकि अमरीकी सरकार पर जापानी कैदियों को ढंग से रखने का दबाव बन सके। इसके बाद लुईस को काफी समय बाद अच्छा खाना खाने को मिला, मगर इसके बाद जापानी ऑफिसर्स ने उसे अमरीका के खिलाफ भाषण देने को कहा। इसके बदले उसे जापान में एक अच्छी जिंदगी बिताने का लालच दिया गया। पर लुईस अपने देश के साथ गद्दारी करने को हरगिज तैयार नहीं था, इसीलिए उसे वापस जेल कैंप में भेज दिया गया। जब वो लौटा तो वटनाबे ने कहा कि लुईस भी उसकी तरह ताकतवर है और अगर वो युद्ध में ना होते तो शायद बहुत अच्छे दोस्त होते। पर क्योंकि लुईस ने ऑफिसर्स की बात नहीं मानी, इसलिए वटनाबे ने सभी कैदियों को लुईस के मुंह पर मुक्का मारने का हुक्म दिया। ये सजा पूरा दिन जारी रही और अंत में लुईस का चेहरा बुरी तरह जख्मी हो गया। फिर एक दिन ऑफिसर्स के मनोरंजन के लिए कैदियों को सिंड्रेला नाटक करने का हुक्म मिला। इस दौरान वटनाबे ने लुईस को बताया कि अब वो सार्जेंट बन गया है, इसीलिए कल वो ओमारी डिटेंशन सेंटर से जा रहा है। उसने लुईस से कहा कि मुझे बधाई दो, लेकिन लुईस एकदम शांत रहा। वटनाबे के जाने के बाद कैदियों की जिंदगी काफी बेहतर हो गई, लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चला। अचानक एक दिन दूसरे देशों ने साथ के शहर पर बॉम्ब धमाके कर दिए, जिस वजह से सभी कैदियों को नायत्सु कैंप भेज दिया गया। वहां पहुंचकर लुईस ने देखा कि यहां का ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि वटनाबे ही था, और वटनाबे को देखते ही उसे वहीं चक्कर आ गए। वटनाबे ने फिर से भाषण दिया और बिना वजह लुईस को मारा। लुईस से कुछ ज्यादा ही प्यार है भाई से। अगले दिन से सभी कैदियों को कोयले के बड़े बड़े बैग्स जहाज में चढ़ाने की सजा मिली। इन बैग्स का वजन और भूख प्यास के चलते कई कैदी बेहोश होकर पुल से नीचे गिरकर मारे गए। एक दिन लुईस बहुत ज्यादा थकावट की वजह से जमीन पर लेट गया तो फौजी उसे पकड़कर वटनाबे के पास ले आए। तब वटनाबे ने उसे अपने सर पर भारी भरकम लकड़ी उठाने की सजा दी और अगर उसने लकड़ी गिराई तो उसे गोली मार दी जाएगी। बेचारा लुईस मरने की हालत में भी जैसे तैसे लकड़ी को उठाए खड़ा रहा। सभी कैदी उसका जज्बा देखकर हैरान रह गए और धीरे धीरे लुईस की जीत के नारे लगाने लगे। ये सुनकर लुईस का जोश और बढ़ गया और उसने वटनाबे की आंखों में आंखें डालकर लकड़ी और ऊंची उठा दी। ये देखकर वटनाबे गुस्से से तिलमिला उठा और उसने लुईस को खूब पीटा। अगली सुबह एक जापानी ऑफिसर ने ऐलान किया कि युद्ध खत्म हो चुका है और उसने सभी कैदियों को पास की ही एक नदी में नहाकर आने को कहा। पहले तो कैदियों को लगा कि उन्हें मार दिया जाएगा, पर अचानक आसमान से अमरीकी प्लेन गुजरा और वो समझ गए कि आखिरकार युद्ध खत्म हो गया है। सारे कैदी बेहद खुश हुए और नाच गाकर जश्न मनाने लगे। इसी बीच लुईस वटनाबे से मिलने गया, पर तब तक वटनाबे बाकी जापानी फौजियों के साथ भाग गया था। तब लुईस जमीन पर बैठ गया और वटनाबे के बचपन की तस्वीर देखने लगा। आखिरकार लुईस और बाकी कैदी अपने देश वापस लौट आए, जहां उनके परिवार बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। ये एक सच्ची कहानी है जहां बाद में लुईस ने शादी की और उसके दो बच्चे भी हुए। उसका भाई फिल भी जंग से जिंदा लौट आया। उधर वटनाबे भेष बदल कर छुप गया, क्योंकि युद्ध में किए हुए अत्याचारों के बदले उसे सजा सुनाई जानी थी।
वहीं लुईस ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगाकर भगवान से किए अपने वादे को पूरा किया। साथ ही उसने बुरे समय को भुलाकर जापानियों को माफ कर दिया और वो कई जापानी लोगों से भी मिला, लेकिन वटनाबे ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। आखिरकार 80 साल की उम्र में ओलंपिक्स में दोबारा दौड़कर लुईस ने अपने सपने को पूरा किया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।